हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं रेड गियर की तरफ से आने वाला MP80 माउस पैड। यह माउस पैड तीन साइज में आता है, स्मॉल, लार्ज और एक्सल साइज। तो हमने फुल साइज का मंगाया है। यह लगभग 1 फीट ऊंचा और 3 फीट लंबा होता है और तीनों ही साइज में दो वेराइटी आती है, एक स्पीड टाइप और एक कंट्रोल टाइप। स्पीड टाइप थोड़ा सिल्की होता है और कंट्रोल टाइप थोड़ा सा टेक्चर्ड टाइप का होता है। आप दोनों में से कोई भी मंगा सकते हैं, दोनों ही अच्छे वर्क करते हैं। कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूज होता है कि यदि हमने स्पीड टाइप का मंगा लिया तो हम उस पर वीडियो एडिटिंग वगैरह या फोटोशॉप का काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप स्पीड टाइप और कंट्रोल टाइप दोनों ही का ही यूज करके सारे काम कर सकते हैं। मामूली सा डिफरेंस होता है, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यदि आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी करनी है तो उसके लिए सिर्फ आप कंट्रोल टाइप का लें तो अच्छा रहेगा। यदि आपको गेमिंग और प्रोडक्टिविटी दोनों करना है तो फिर आप स्पीड टाइप का ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल टाइप का मंगाया है और उसकी क्वालिटी कैसी है चलिए देखते हैं। तो काफ़ी बड़ा साइज है और पीछे की साइड जो है इसमें रबड़ लगा हुआ है जो आपकी डेस्क पे फिट हो जाता है और सरकता नहीं है। चारों तरफ बाउंड्री पे स्ट्रेचिंग की गई है जिससे इसके ज्वाइंट खुलेंगे नहीं। और ऊपर जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है वह टेक्चर टाइप का है, यानी कि थोड़ा डॉटेड सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका माउस स्मूथ नहीं चलेगा, यह काफ़ी स्मूथ माउस चलता है। कंट्रोल टाइप से आपको यह फ़ायदा होता है, माउस आपके हाथ से फिसलता नहीं है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही ये काम करता है। ये अमेजोन पे आपको 500-600 रुपये के लगभग मिलेगा। यदि आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हमने दे दिया है। इसका प्राइस कम ज़्यादा भी होता रहता है। इसकी क्वालिटी अच्छी है और यदि आप लोकल वाले लेते हैं तो उसके ऊपर जो कपड़ा लगा रहता है वो अधिकतर नॉन बॉबिन फैब्रिक का होता है जो कुछ समय बाद रोय छोड़ने लगता है, लेकिन ये ठीक है। बाकी ये ब्लैक कलर में ही आता है और ब्लैक अच्छा भी लगता है, लेकिन एक परेशानी यह है कि ये धूल ज्यादा खींचता है ब्लैक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अलग अलग एंगल से देखते हैं और आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।